सो गाइस, जैसे आपको पता है आईपीएल जो कि है दुनिया के सबसे बड़ा क्रिकेट लीग, और उसमें से तीन फेवरेट फैन टीम्स होती है, लाइक चेन्नई, मुंबई और बैंगलोर। उसमें से यहाँ पर चेन्नई और मुंबई है, बट आपको पता ही है कौन जीतने वाला है, जो कि है चेन्नई ऑब्वियसली। वो तो मैच के बाद ही पता चलेगा कि कौन सी टीम बेस्ट है। ठीक है, एक टीम तो जैसे कि आपने कहा बैंगलोर, वो मीम वर्ल्ड में तहलके मचा रही है। ठीक है, उनको उधर ही मचाने दो, अपन यहाँ पे मैदान में मचाते हैं और 10 ओवर के ये मैच में हम ही जीतेंगे। थैंक यू शांतनु भाई फॉर ज्वाइनिंग अस। आज हम पिच का रिपोर्ट लेने वाले हैं। पिच काफी आज थोड़ा मेरे को अलग लग रही है, काफी हरी भरी है, हरी भरी लग रही है, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हो कि मिट्टी मेरे को काली क्यों लग रही है। आई थिंक काली है, काली। आपको क्या लगता है कि पहले किसके एडवांटेज, मतलब किसके रहेंगे? देखो, जैसे मेरे को पिच इधर ही खत्म होते हुए दिख रही है, तो बॉलिंग हो सकती है अच्छी सी, लेकिन आप मुझे बॉल डाल के दिखाइए तो मेरे को नहीं लगता बॉल उतनी ज्यादा उछलेगी। आप मुझे बॉल डाल के दिखाइए। ट्राई है पिच यहाँ पर, अच्छे से यहाँ पर मेंटेन किया गया इसको, तो आई थिंक बॉलर्स के लिए ज्यादा एडवांटेज नहीं, बैटिंग करने वालों को अपन वो देख के ही समझ सकते हैं। हम एक बार ट्राई कर लेते हैं, हम दिखाना चाहेंगे अपने दर्शकों को कि आप वहाँ पर बैठिए एक बार, हम चेक करेंगे। आप एक बार देख सकते हो कि कितना यहाँ पर बॉल जो है उछल नहीं पा रहा ज्यादा। पहले अगर हम देख सकते, इससे पहले जब हम आए थे तो बॉल ज्यादा उछल रही थी, लेकिन अभी हम देख सकते हो कितना, ये देखो कितना स्विंग हो रहा है बॉल को, मतलब काफी स्विंग हो रहा है, स्विंग हो रहा है। पिच का यहाँ पर देख सकते हो अच्छे से सफाई वफाई हुई, पहले थोड़ा डस्ट भी था, सब कुछ क्लियर है, अच्छे से मेंटेन किया गया है। क्या लग रहा है आपको घातक भाई आज के मैच के बारे में? लगने का नहीं है कुछ, मतलब ऐसे ही जीत जाएंगे नहीं, आप तो हम लोग अगर मैदान पे उतर रहे हाँ। तो मतलब जीतने वाला कौन है वो पहले ही तैयार हो चुका है, मतलब वो तो वैसे उम्मीद पे दुनिया कायम है, वैसे उम्मीद नहीं है, हम लोग जीतने वाले हैं। अच्छा, मतलब आपने पहले ही आप बोल रहे जीत, वो पता है मतलब सबको पता है, बट एक चीज है, ये पिच जो है इसमें सबसे पहले जो मतलब एडवांटेज जिसके ज्यादा मिलने वाले वो है बॉलर्स को, जैसे हम लोग ने देखा है अभी बॉलिंग पिच है ना, जो अभी आप पिच देख सकते हो यहाँ पर जो अभी काली मिट्टी भी है, ठीक है, और ये सबसे मेन चीज है बहुत ज्यादा ड्राई है इस टाइम, तो अगर हम इस टाइम इस बॉल को आप देख सकते हो ज्यादा नहीं उछल रही नहीं है, तो काफी ज्यादा फायदा मिलने वाला है गेंदबाज। पिच के बारे में आप क्या कहना चाहोगे, ये बॉलिंग पिच लग रहा है हमें? बॉलिंग हो या बैटिंग हो, जीत एक ही है जो कि हम करेंगे, बट अभी आप देख सकते हो पिच जो है बहुत ड्राई है, काफी ज्यादा एडवांटेज मिलने वाले हैं किनको? हाँ, गेंदबाज को। हमने पहले ही पहले बात की, ये कैसे हो सकता है? आप कैसे, मतलब इतनी उम्मीद कहाँ से, कैसे इतना मोटिवेशन कहाँ से? कॉन्फिडेंस हो तो सब होगा। अच्छा, बात तो सही है, टीम में सब कॉन्फिडेंट है, यही जज्बा चाहिए, मतलब आपको सामने नहीं टीम ओके इतना लग नहीं रहा है मुझे, जीतना तो हमें ही, मतलब अभी इसको एक मिनट, मतलब मुझे सामने वाली टीम देखनी पड़ेगी। कैप्टन जो है चेन्नई वाले कैप्टन, इनको मतलब उम्मीद है, मतलब अगर ये बल्लेबाजी करेंगे या गेंदबाजी पहले, तो ये फिर भी यही जीतने वाले, इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस मैंने आज तक किसी में नहीं देखा, यही चाहिए शायद, इसीलिए ये जॉनी हेड। अरे उछला ही नहीं, गोल नहीं, हेड सवाल ब्रो, कैसी है बजी? बैटिंग ओके, तो गाइस जैसे पता है आपको हर चीज में जीतना पसंद है मुझे, तो टॉस भी जीत चुका हूँ, मैच में हारोगे एंड वी चूज टू बैट, सो गाइस आवाज पिच ट्रिगर कर रहा है, लेट्स गो भाई। टॉस उन लोगों ने जीता है और बैटिंग ली है, हम लोग भी बॉलिंग ही लेने वाले थे, थैंक यू, और जवान हो तुम लोग, 5 ओवर में डिसमिस होने वाले हो, पूरा डिलीट बाय। क्योंकि भाई स्ट्रेटेजी क्या है भाई, अभी फर्स्ट बैटिंग है, स्ट्रेटेजी बस ये कि आउट नहीं होना है, एंड तक खेलना है, बस यही स्ट्रेटेजी है हमारी, और बस छक्के मारने, बस और कुछ सेम सिर्फ सिक्सेस मारने और फोर्स, लाइक नथिंग बिलो दैट, लाइक ओनली सिक्स एंड फोर्स। बैटिंग के लिए साक्षी है और किकी है, किकी है, अभी क्या सोच है इसके लिए, मेरे को लग रहा था ओपनर पहले जॉनी या जीगोर्ड को भेज, लेकिन आज कुछ नया करने की फिराक में, तो हमारे जो बॉलर आ रहे हैं अभी निकी आ रही है, और पहले बॉल डली यहाँ पर, और यहाँ पर मिस बॉल, पहले बढ़िया बॉल वहाँ, नो बॉल और फ्री हिट मिला, और एम्पायर का इशारा नो बॉल पहले ही करार दिया।
बॉलिंग लाइन तगड़ी लग रही है, बैटिंग में थोड़ा सा कमजोरी लग रही है। लगा था 10-12 रन हो जाएंगे, मतलब ये तो डॉट हो रहे हैं यहाँ पर। अभी देख एक किकी जाएगा, इसके बाद एक और जाएगा, शक इसको आउट नहीं करेंगे, यही प्लानिंग है। किकी और गिल आए ओवर के लिए, पीछे देखो वाइड बॉल, वाइड बॉल। आपको क्या लग रहा है गिल को देख के? गिल को मेरे को गिल की मतलब अभी वो आ करारा शॉट था, लेकिन कैच भी था, छूट गए यहाँ पर, छूट गए यहाँ पर, ड्रॉप हो चुका है, ड्रॉप कैच। यहाँ पर दूसरा कैच हो सकता था, लेकिन बाहर का रास्ता दिखा दिया। पाशा भाई ने आउट खेला है, पाशा भाई आउट हो गए, दिखा नहीं बाहर का रास्ता दिखाया किकी को। सॉरी सॉरी सॉरी, चल पाशा। अरे पाशा बे, क्या बे, अबे बच्चे लोगों को बोल बे, मानना पड़ेगा पाशा भाई के हाथ में जो भी कैच वो छूटता नहीं है वैसे। ओके आर्चू आए हमारे नेक्स्ट बैट्समैन, और ये अगली बॉल और जीता, छक्का, 6 रन, बाहर का रास्ता दिखाया पाशा के सिर के ऊपर जाते तो शायद 4 रन बच जाते वहां पर। हाँ, लेकिन पाशा ने कोऑर्डिनेट कर दी, पाशा ने कोऑर्डिनेट कर दी, शायद ही न्यूट्रिनो वहां पे चोक होते हुए दिखे गाइस। कोई बात नहीं, अभी आगे देखते हैं। हमारे जो नेक्स्ट ओवर चेंज हो चुकी है और घातक भाई ओवर करने आ चुके हैं। बहुत बड़ा लॉस हो सकता है क्योंकि वो खाते हैं। मारा जोर से और अमर भाई के हाथ में बॉल, लेकिन रनिंग बिटवीन द विकेट हो चुका है, बढ़िया वहां पर रनिंग बिटवीन द विकेट। बट एक चीज है यहां पर, अगर डायरेक्ट लग जाती बॉल वहां पर तो आउट हो सकता था भाई, लेकिन उनसे 2 बार हिट नहीं हो पाया। लेकिन यहां पर 2 जो है हिट कर सकते थे, यहां पर विकेट स्कोर आराम से विकेट हो सकते। और यहां पर एक जोर और एक करारा शॉट लगा, छक्के की बहुत ही सीधा मारा बल्ले को, ग्रीन का आयरन पोलार्ड है। और यहां पर अगला बात, भाई क्या देख रहे हैं, क्या मैं देख रहा हूँ, बहुत मुश्किल, क्या हो रहा है, इसने तो मैच ही पलट दी भाई। ये जो मतलब आए हमारे नए प्लेयर अमर भाई आए हैं बॉल करने के लिए, पहले बॉल डालेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर करारा शॉट, लेकिन पीछे फील्डर, और ये पाशा भाई ने बढ़िया किया हुआ है, बढ़िया फील्डिंग वहां पर, पाशा पूरी जान लगा के हुए वहां पर फील्डिंग मन से खेल रहे, मन से खेल रहे वहां पर। और यहां पर आउट हो सकता है, और पूरा आउट देगा यहां पर, नो प्रॉब्लम, बिना साक्षी भाग 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 नहीं, अभी मैं ट्राई किया था इसका, जब ये पहले खेलता इसका नाम मैडॉक होता था शायद, इसने चेंज कर लिया, इसमें हेवन बाय रखा है, देखते हैं इस मैच में क्या हो सकता है, क्या साबित कर पाएंगे अपने आप, अपना हेवानी वाला गेम प्ले होगा, हेवान होगा या नहीं होगा। हमारे जो शर्षी जी बैट्समैन और साक्षी जी यहां पर, उन्होंने पहले बॉल है यहां पर करार, और ये अरे और यहां पर आउट हो सकता है, लेकिन ये क्या ओवर थ्रो है क्या, वो यहां पर गिल गुल्लू के हाथ से कैसे ये मिस्टेक हो सकती है, गुल्लू भी मतलब क्या वो काफी भारी पड़ रहा है अभी यहाँ स्पीकर। और ये क्या आउट है क्या, शार्षी को आउट नहीं करना था, बॉल पे आउट कर दिया, उनको आउट नहीं करना था, लेकिन अभी अमर भाई को लग रहा है गुड बैटिंग काफी ये हो रहा है। हमारे नए बैट्समैन जो इसका नाम है क्या नाम था इसका, गागू आए हैं यहाँ पर, और हेवन कुछ समझा रहे, मतलब कुछ तो बातचीत ऐसी रहेगी, सुन आराम से खेल, मारने मत जा, भाग भाग के रन लेंगे, ठीक है। और ये क्या जोर से लंबा शॉट मारा पाशा के सिर पे, सिर से ऊपर, पाशा को कोई मौका ही नहीं दिया, पाशा देखते ही रहे बॉल को सीधा। गागू को यहाँ पर बॉल करने और पहला गेंद, नहीं नहीं अरे अरे सुना है, ये क्या चालू है यहाँ, क्या खिला है, क्या खिला है, नहीं है ना वो, देखो और यहाँ पर है वो बढ़िया, अच्छे से बढ़िया सोच से खेल रहे, ओ बढ़िया फील्डिंग भी वहाँ पर, गिल आज काफी जोश में लग रहे, नहीं ऑल गुड, ये देखो ओवर थ्रो पे रन कर रहा है, अबे पीछे ही है बॉल, पीछे ही है, भाग लेते हैं पीछे ही है बॉल, कैसे भागता गागू भाई, अगर ज्यादा प्रेशर में आ गया तो भाग लेंगे, ठीक है, यहां वहां सीख गया तो नहीं, ठीक है, कोई रन नहीं मिलेगा। न्यूट्रिनो ये गुजरात टाइटन के प्लेयर थे पहले, फिर मुंबई में लिया गया उनको।
कौन यहाँ पर क्या कर, पहली बॉल न्यूट्रिनो की यहाँ पर जोर से मारा, नहीं 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 नहीं, अरे अरे गरबा कर रहा है ब्रो ये तो, मेरे को लगा था मतलब बहुत ज्यादा आगे आके बाहर आउट हो सकते हैं, आई थिंक इस टाइम आउट है, और यहाँ पर उंगली खड़ा हो गई यहाँ पर, हैवान भाई मुदस्सिर भाई आ चुके हैं, मुदस्सिर गुरी भाई आई है, गुरी भाई यहाँ पर पहले बॉल डालते हुए यहाँ पर जोर से मारने की कोशिश, लेकिन एक रन ही पाशा पीछे, गागू बेटी आ चुकी है स्ट्राइक पे, वो क्या हो सकता है अभी, मेरे को लगता है गागू यहाँ पर इस टाइम तो जोर से खेलना चाहिए गागू, और वही सोच रहेगी, लेकिन अभी देख अभी तो आउट भी नहीं दे सकते, अभी कुछ नहीं बोल सकते, अभी कुछ नहीं बोल सकते, नो बॉल है क्या, अरे भाई मारे यार यही तो नहीं करना था, आ जॉनी कितना मारेगा भाई, देख अभी फिलहाल उतना नहीं मार पाऊंगा क्योंकि हैंड में पेन है मेरे, सो इसलिए मैं लास्ट आया हूँ, बट ट्राई करूंगा बेस्ट देने की, जॉनी सिक्स तो उम्मीद है अपने कैप्टन पर, अभी अपनी जो आखिरी उम्मीद है, आखिरी उम्मीद जो है वो है हमारा कैप्टन जिसका नाम है जोनाथन, जोनाथन जो कि आए हैं, सुनाइए लेट्स गो ब्रो, क्या करना है, ओवर हो चुके हैं और पाशा भाई ऑन बॉलिंग, पाशा ऑन बॉलिंग और आगे गुरी, पहली गेंद डालेंगे पाशा, गुरी देखते हैं पहले गुरी हो जा शुरी, अभी मेरे को लगता है गुरी के ऊपर उतना प्रेशर नहीं होना चाहिए क्योंकि अभी इनको जोर और यहाँ पर जोर से मारने की कोशिश, लेकिन आउट हो सकता है वहां पर, पाशा यहाँ पर और आउट कर दिया है गुरी को यहाँ पर, जोनाथन ने तो स्कैम कर दिया भाई, भाग मत, पाशा आए सेकंड बॉल करने के लिए यहाँ पर, ओके ये यहाँ पर बढ़िया, और ये क्या आउट हो सकता है यहाँ पर, रन आउट लेकिन बार बार बच गए, ये क्या बढ़िया, और यहाँ पर जोर से शॉट सीधा, बढ़िया सबसे बड़ा शॉट यहाँ पर, अभी तक का बड़ा छक्का है, अभी तक का बड़ा छक्का, 80 मीटर्स लॉन्ग, 81 पावर, निक्की जी जिन्होंने अपना इसमें वार्म अप मैच में उनको आउट किया था जोनाथन को, ओके अभी उनको ही लाया गया है, वो ऑफ स्पिनर है, 100 रन कर दे यार जॉनी, आ रही एक बार और यहाँ पर आउट हो सकते हैं, लेकिन बढ़िया बॉल, ओके पूरा बीट, आपको क्या लगता है जिस हिसाब से ये पूरा बीट कर रहे हैं जोनाथन को, क्या क्या सोच होगी घातक भाई, अब यहाँ पर हमारा आखिरी ओवर, बाहर का एक हमारे पास ये इंटरनेशनल जो प्लेयर, ये इंटरनेशनल प्लेयर फील्डिंग तो देखा ही होगा, अभी पहली बॉल डाल चुके हैं, देखते क्या होगा, लेकिन ये क्या पीछे पाशा और निकी, नो बॉल दोनों के बीच में, नो बॉल भी और साथ में फ्री हिट भी, छक्का था आई थिंक और वहां पर सिक्सर भी, ये सही बात है, यहाँ पर अगली बार आ रही है यहाँ पर, बहुत अच्छा बहुत हार्ड, पाशा क्या करेंगे यहाँ पर, एक ही रन मिलेगा, पाशा के हाथ से वैसे गेंद निकलती नहीं, उसका वो लैग हो गया, वो अटक गया, जानकार मिले और आगे खेलने की कोशिश और आउट यहाँ पर, घातक भाई के पूरा यहाँ पर जान लगा के ड्राइव लगाने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर जोनाथन बैटिंग के टाइम पे भी गिरते हुए, जिस तरह से इन लोगों ने बैटिंग की है तो ऑलमोस्ट ये बंदा 4 ओवर में मैच खत्म करेगा ऐसा मुझे लगता है, 4 ओवर में 3 में दे दूंगा टारगेट, 3 में ही दे दूंगा, अड़ जा तेरे को ट्रायल दिखाता हूं, ट्रेलर दिखाता हूं पाशा, देखो आप एक बात बताइए घातक भाई, एक बात मैं पूछना चाहता हूं, जब आप इधर बैठे थे कीपिंग कर रहे थे ठीक है, आप क्यों हंस रहे थे, मतलब आपके अंदर क्या चल रहा था, मैं सोच रहा था यार ये जिस हिसाब से बैटिंग कर रहे थे, मैं सोच रहा था यार इनको, मैं सोच रहा था कि और मारना चाहिए इन लोगों ने, क्योंकि हमारे बैट्समैन जब उतरेंगे अभी आप देखोगे, मतलब मेरे को लगता है आपको मतलब कहना क्या चाहता हूं, 51 ही बंदा बनाएगा, नहीं ये हम लोग अंडर 5 ओवर आउट करेंगे, तू तो चाह रहे थे तेरा हम लोग 5 ओवर आउट, 6-7 ओवर में जीत जाएंगे, मेरे को यही लग रहा है, इसीलिए हंस रहे थे पूरी टीम, पाशा को पाशा से लेके निकी से लेके गातर भाई तक पूरा मोटिवेशन मेरे को लग रहा है 2-3 ओवर में खत्म, जिस हिसाब से इन्होंने खेला पहले, जैसे वो गेल आए थे जिसका नाम है वो आर्चू आया था, 2-3 छक्के मारे थे ठीक है, काफी अच्छा मैच गया था, मेरे को लगा था 100 प्लस क्रॉस कर जाएगा ठीक है, बट फिर जब बंदे आ गए जैसे हमारे गौड भाई आ गए या बाकी आ गए जिन्होंने बहुत धीरे धीरे खेला, कुछ बहुत गलतियां भी हुई, मिस्टेक्स हुए, कहीं रन्स थे वहाँ लिए नहीं,
तो वो ज्यादा मिस्टेक्स उस वजह से रन जो है काफी कम पड़ गए, इसीलिए आई थिंक कहीं ना कहीं फनी कहीं ना कहीं हमारे घातक भाई हंस रहे थे। तो अभी करते फिर से शुरू कमेंट, तब तक तुम लोग एंजॉय करो। आप देख रहे हो शार्प सी जी अपने यहां पर फिंस ऊपर उठाते हुए बॉलिंग निकी जी को, अच्छी मेरी भाग रहा और ये वाइड हो सकती है और एक और वाइड क्या कर रहे हैं ये और एक और पाशा से हमें काफी उम्मीदें हैं पाशा से, यहाँ पर पूरी टीम को कास्का के घातक भाई को, और यहाँ पर एक रन हो सकता है रनिंग बिटवीन द वीकेट और ये क्या मिस करते हुए पाशा भाई मिस फील्डिंग वहां पर आरचू से देखा शायद आपने अच्छी दूरी पे और ये क्या कैच हो सकता है लेकिन पाशा दौड़ते हुए यहाँ पर कोई ना हाइट कम बढ़िया। अबे अंपायर देख बे, अंपायर को कितना खिला है कितना खिला है अंपायर को कितना खिला है लास्ट बॉल अंपायर फील्डिंग भी कर रहे हैं। ये देखिए मैं पहले ही पाशा बढ़िया करा रहा शॉट और जोनाथन को गिराया बढ़िया फील्डिंग वहां पर जोनाथन के, मैं बता रहा हूं गाइस और कैप्टन अपने बॉलिंग करते हुए ओके अभी आप देख सकते हो शायद जोनाथन को ले आया आप वही शायद अपनी टीम को बचा सकते हैं यहां पर लेकर पहला कैच मिस यहां पर क्या नाम बोला था इसका गागू भाई क्या कर रहे हो आप ये क्या कर रहे हो इतनी बड़ी विकेट वो बैट स्टंप को मारा ना खेल रहे हैं डीमोटिवेट कर रहा है मिस लीड किया जा रहा है बढ़िया बॉल बढ़िया सोच अगली बॉल यहाँ पर खेला लेकिन एक रन मिल सकता है भाई नहीं नहीं अरे तू भाग गया थी ना तो तू बोल ना मेरे को अरे तू भाग ना अरे छोड़ दिया मतलब पूरी मतलब टीम चेन्नई टीम एक जुट हो चुकी है उनको पता चला हमें कैसे मैच क्योंकि ये जो हमें जीतने की राह पे लग रहा है अच्छा लगा स्ट्रेटजी तो अच्छा है ये स्टडी अगर अच्छा ये कैमरा फोड़ दूंगा बहुत चेन्नई स्लीपर किंग्स तो कोशिश कर रहे हैं मैच वो लोग आउट नहीं करना चाहेंगे मैं जैसे आपको बता रहा हूँ कि निकी जी को वो लोग आउट नहीं करना चाहेंगे एक नंबर जल्दी आर्चिस मुझे लग रहा है निकी आउट होए ना होए लेकिन पाशा आउट हो सकता है ये यहाँ पर बढ़िया शॉट वहाँ पर और मिस फील्डिंग गागू भाई से और यहाँ पर पीछे से जोनाथन और आउट हो गए नियो आउट हो चुका है नियो कैच नियो अरे भाई यहाँ क्या हो रहा है मैंने नहीं सोचा था पाशा कैसे आउट हो पाशा कैसे गेट भी नहीं खुल रहा है यहाँ पे पट्टे तलट गए पाशा के साथ इतनी चीटिंग जज्बात बदल दिए हालात बदल सकती पाशा के देखो मैं यहाँ तक पहुंची मैंने कहा वो कहाँ है अंदर चेन्नई की जर्सी पहनी है ना अरे मुझे नहीं पता इसको डिमोटिवेट कर रहा था अच्छा बदला लिया लगता है कौन आ रहा है ओके घातक भाई आ रहे हैं अब घातक भाई खुद आ रहे हैं शायद उसे पता चल गया कि मैच शायद हम हार सकते हैं अभी ओके जोर से मारा यहाँ पर एक रन मिल सकता है आराम से और यहाँ पर हम मिल भी गए बस निकी वही लग रहा है मेरे को लेकिन ओ बढ़िया आराम से खेल रहे मतलब बढ़िया ओवर काफी अच्छी बढ़िया बढ़िया सोच से खेल रहे डालते रहो ऐसे मारना चाहेंगे जी जो हिसाब से खींच रहे हैं आउट हो सकता है शायद लेकिन एक बॉल आराम से देख रहा ओके आर्चू यहाँ पर अगली बॉल डालते हुए यहाँ पर जोर से मारा पीछे गागू भाई गागू बिल्डिंग अरे 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 गॉड गो एक रन मार के
नहीं दे पाएंगे, क्योंकि अभी जो चेन्नई स्लीपर किंग्स है ना, उनको पता चल गया अभी कि हमें उनको क्या करना है। ओवर हो चुकी। ओए अंपायर रिटायर्ड, क्या हुआ? नहीं रिटायर्ड, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता भाई, ये नहीं है, ये कुछ भी, कुछ भी। देखो बैट्समैन का डिसीजन है, आज पर रूल हां, ये खेलना 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 कंटिन्यू। ये जबरदस्ती रिटायर करने की कोशिश। निकी जी आप डटे रहिए। पहली बॉल है यहाँ पर और ये जोर से मारा पीछे एक फील्डर हैवॉन, लेकिन रन नहीं ले रहा है। मैं सोचा घातक भाग के आ रहा है। अरे नहीं यार भाई, मैं सोचा बता घातक भाग के आ रहा है, ये आउट नहीं कर रहा, हम ना ना भी चले जाने भाई। बड़े अभी उठे हुए वो घातक भाई ने ये साजिश रची। चल ये करने को तेरे को पिछले ओ हमारे वो आए। अरे 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 दोनों बैट्समैन है भाई, ये तो जीतेंगे। जोर से मारा, चल आने दे आने दे। लक्के के बाजू में अगली बॉल यहाँ पर जोर से मारने की कोशिश और यहाँ पर गंगू भाई से दे आने दे सीधा गेंद बाहर। क्या क्या पकड़, ये क्या था, ये क्या था, क्या था ये क्या था? मेरे को जोश आ गया, मैं सोच रहा मैं अंदर बीच में जाऊं वहां पर इनके साथ, ये देखो क्या कैच था, ये क्या था, ये अद्भुत अद्भुत था। जैसे वुमेन का स्मोक जाता है वहां भाई, कैच ऐसे ही कैच गया। ये क्यों आउट हुई, क्यों आउट हुई? निक्की को आउट कराया था। कर्मा कर्मा कर्मा, जैसी करनी वैसी भरनी, याद रखो। ये भाई जरूरत है बात करने के लिए, ये हमारे भाई कैप्टन साहब है जिसने पहले हंस रहे थे, बोल रहे थे दो तीन ओवर के अंदर मैच खत्म हो गया, लेकिन कहाँ है? मैं इसको बिठाना चाहूंगा। हम बता रहे मुंबई में ये लोग, इन्होंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि हम ऐसे जीतेंगे और यहाँ पे प्रेशर में दिखती हुई टीम दिख रही है मुझे, क्या ही बोले। सॉरी घातक भाई, मैं आपको कुछ पिला था लेकिन पानी भी नहीं है इधर। लेकिन आप मेरे को ये बताओ, आपके अंदर मतलब ये मोटिवेशन कैसे आ गया? ये जीतने वाली टीम जहाँ पे आपने इतने महंगे खिलाड़ी लिए थे अमर, कैसे कैसे वो आउट ऑफ परफॉर्म हो चुके मैक्सवेल के जैसे। सबसे ज्यादा महंगे प्लेयर जो थे हमारे अमर भाई, वो भी आउट परफॉर्म हो चुके गाइस। और सामने वाली टीम जहाँ पे खर्चा ही नहीं किया वो प्लेयर खेले जा रहे हैं। घातक भाई कुछ तो बोले यार, ऐसा ऐसा म्यूट मोड में तो आ गया। घातक भाई कुछ तो बोले यार, अभी भी उम्मीद कायम है, उम्मीद कायम है, अभी भी उम्मीद कायम है। यस, ये पूछने के लिए आ चालू हो चुका है मैच, चालू हो चुका है, रिज्यूम हो चुका है गाइस। चलो बाद मैच आपके पास ही रखना भाई। मैच का गिल आया यहां पर, गुल्ली आया यहां पर, जोर से मारा बाउंड्री के बाहर। ये जीतना है तो ये चाहिए। आपके लिए हमारे कमेंट बॉक्स में जुड़ चुके हैं पाशा भाई। ये पावर है मैक्सवेल गेंद, मैक्सवेल और ये गिल। चले गुजराती गिल, यहाँ पर गिल को, गिल के पर पूरा मैच है। हाँ, क्या करेगा गिल पे, उनके उम्मीदें दिख रही है मुझे। और गिल जिस तरह बैटिंग एंगल लेके खड़े, मुझे लग रहा है काफी अच्छे बैटिंग बैट्समैन। ओ बढ़िया गेंद थी, आउट है क्या? आउट है, आई थिंक आउट है। प्लेयर्स के यहाँ पर कैप्टन के लगता थर्ड एम्पायर के पास जाएगा। इसको चाहिए दादा, कोई बात नहीं, ठीक है। जोर से मारा,
जो बोल रहा था यहाँ पर कि मैं दिमाग से खेल रहा हूँ और जो छोड़ रहा हूँ और ये इंडिविजुअल की मैं अंदर जाना चाहता हूँ, इससे मिलना चाहता हूँ के बारे में। वो आउट प्ले कर चुका है, मेरे पास एक ही वर्ड है, वो आउट प्ले। वो जो हिसाब से अभी खड़े हैं बॉलिंग करने के, वो दोनों दोस्त है, ओपा पार्टनर्स। ओके, आए बॉल करने यहाँ पर सामने गिल और शायद कैच हो सकता है। ओ जोनाथन कैप्टन, खुद ही कीपर बैठे हैं वहाँ। यस, ये होता है असली, मतलब पूरा उम्मीद हो, उम्मीद अगर हो तो कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। जो उम्मीद चेन्नई स्लीपर किंग्स ने रखी थी, वही उम्मीद अगर उन्होंने बरकरार रखी तभी वो यहाँ पर पहुंच गए। कैप्टन के बीच में यहाँ पर लड़ाई होने वाली है शायद, और यहाँ पर गिल जोर से मारा, बाउंड्री से बाहर, बाहर का रास्ता दिखाया गेंद को, यहाँ पर चौका, यहाँ पर आखिरी इंसान है जो इंटरनेशनल प्लेयर है। काफी मजा आ रहा है मैच देखने में, मैच देखने में काफी मजा आ रहा है, काफी मजा आ रहा है। ये जो प्लेयर्स एक्सपेंसिव लिए थे वो खड़े नहीं हो पाए पिच में। मुंबई वाले प्रैक्टिस में ही गए, काफी उम्मीदें थी मुंबई इंडिविजुअल्स से। ओहो करारा शॉट, क्या गया छक्का भाई यहाँ पर, कैसे मैच पलट सकता है, हमारे उम्मीदें हमारे एक भाई थे पाशा भाई, उनके ऊपर उनके कुछ जैसे वो आउट हुए तो टीम की आउट होने की लाइन ही लग चुकी। अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं दोनों टीम्स के कैप्टन घातक भाई, जो मुंबई इंडिविजुअल्स के हैं, और आप इसको देखते ही हो जोनाथन भाई, अपने चेन्नई स्लीपर किंग के कैप्टन। स्लीपर स्लीप इसे आपको कैसे लग रहा है घातक भाई कि आपकी टीम प्रैक्टिस राउंड में ही ज़्यादा एनर्जी दे के खेल रही है? ये तीन मैच की सीरीज है, ये आज पहला मैच था तो हमने सोचा कि ठीक है थोड़ा सा चांस दे देते हैं, इस बार चांस दे दिए, इसलिए ये गेल ताते हम इतना अच्छा खेलेंगे, गेल ताते हमको हाँ पता नहीं था कि बाबा ये मार देंगे इतना, क्या मार दिया भाई, कितना गया गेल ताते, देख तीन हो, अरे ताते गायब हो गए, ओके ताते उधर है, हाय ताते। इन शॉर्ट तीन हो या 10 हो सीरीज जीतना तो हमें ही है, क्योंकि आपको पता है तुम्हारे भाई को जीतना पसंद है। मेरा एक सवाल है यहाँ तक भाई से, इतने महंगे प्लेयर लेके इतने महंगे और इंटरनेशनल प्लेयर एक लेके भी इतनी गंदे पिटे, ये कैसे पूछना, ये इसका आंसर, वो भी आपने पहले वाली रिकॉर्डिंग देखी होगी जिसमें ये हंस रहे थे, बोल रहे थे तीन मैच के अंदर हम खत्म, तीन ओवर के अंदर हम मैच खत्म कर देंगे, लेकिन सामने तो ये जो उनके ओनर थे बम्बानी जी वो तो गायब ही हो गए, उनके महंगा प्लेयर आउट हुआ तो वो गायब ही हो गए, एक चौका मार के आउट हो गए। आप क्या कहना चाहोगे, सिर्फ पाशा खेल पाए थोड़ा सा, कुछ है ही नहीं कहने के लिए, पाशा भी आउट प्ले करना चाह रहे नहीं है कहने के लिए, आप उसके ऊपर क्या कहना चाहोगे जब हमारे गग्गू भैया बहुत मिस फील्डिंग भाई, मैं वही सोच रहा हूँ कि आज ये लगन टीम के सारे प्लेयर ऐसे कैसे चल गए भाई, मेरे को सबने कैच पकड़े जो कैच छोड़ते थे नहीं, मेरे को ऐसा लग रहा जो पहले टीम में खेलते थे ना, जो पहले मेरे टीम में खेलते थे उधर तो हक देते थे कि तुम लोगों को पहले मिस फील्डिंग वगैरह करो लेकिन लास्ट में हम इनको पकड़ के रखेंगे, क्या लग रहा तो इन शॉर्ट अंडर एस्टिमेट किया हमने, मतलब आपको पहले से ही पता था कि हम जीतेंगे, बट मेरे को पहले ही पता था, मैं देखा ऐसा, मैं डरता नहीं प्लेयर जो भी होगा, अपन सिर्फ ठोकते हैं, मैच में तुम्हारा भाई मारेगा नहीं, एक तुम लोग पूरी मैच देखना,
उसके बाद देखना कि अगले मैच कौन जीतने वाला है, तुम बता देना। अरे जैसे जिस प्रकार मुझे लग रहा है अभी कि दोनों टीम्स अभी काफी मेहनत करेंगे, पोस्ट डाके घर पे काफी खेलेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। आप भी जरा कमेंट्री में यू नो जरा मेहनत करो और पावर लाओ। हमारी पावर काफी थी, आप जैसे अच्छे खेल रहे थे हम उतने ही एनर्जी के साथ चिल्ला रहे थे। नहीं, मैं लास्ट सवाल पूछना चाहूंगा जॉनी, ठीक है ठीक है, कि नेक्स्ट टाइम जब मैच होगा क्या ये भी खरीदना चाहेंगे प्लेयर्स को या इंटरनेशनल प्लेयर्स को लाना चाहेंगे अपनी टीम में या यही टीम रखना नहीं चाहेंगे? नहीं, हम लाइक बड़े बड़े प्लेयर्स में नहीं मानते, जितने हैं उन पे ही मैं विश्वास रखता हूँ एज ए कैप्टन, चाहे जो भी हो, चाहे वो कितना भी बड़ा प्लेयर हो, बट इजी हम लोग के लिए तो गाइस अगली मैच है ना बहुत कम ओवर में खत्म करने वाला हूँ मैं, तो मेरे को मेरे लेसन मिल चुके हैं। ये मैच में जो गलतियां मैंने की है वो गलतियां मैं अगले मैच में बिल्कुल नहीं करूंगा। आपको पहले ही लगा था मैं जीत जाऊंगा, लेकिन इन्होंने जो मैंने अंडर एस्टिमेट करके बहुत सारे रन दिए, बहुत सारे। बट गाइस आप बताना, ठीक है, जैसे आपने टीम्स देखा पहले स्टार्टिंग में, अब किसको चेयर कर रहे थे सच बताना, ठीक है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना अब किसको चेयर कर रहे थे, ठीक है, मैं देखूंगा कमेंट सेक्शन। सो गाइस आई होप यू लाइक दिस कंटेंट, इट वाज क्रेजी राइट, a lot of great stuff coming up, so like, share, comment and subscribe, but don't forget to press the bell icon.